हेलो एवरीवन, मेरी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ दिल्ली में आसपास में देखा होगा आपने कि वो अशोक के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। वास्तव में वो असली अशोक है ही नहीं। और अगर किसी से कहें कि किसी पंडित जी से कहें कि आप अशोक के पत्ते ले आइए मांगलिक कार्यों में करने के लिए, तो वो एक झूठा अशोक है जो कि सब जगह पर हो रहा है। उसकी पत्तियां यहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये झूठा अशोक है। इसमें देख रहे हैं कितनी सारी लहरें हैं। ये बीच में एक पत्ती है, ये इधर पत्ती है, ये पत्तियां इस प्रकार लटकी रहती हैं। तो इस प्रकार जब पत्तियां लटकी हों जिस पौधे की, वो असली अशोक नहीं है, ये झूठा अशोक है। तो अक्सर यही सब लोग मांगलिक कार्यों में ले आते हैं इसको, और इसी की मालाएं बना देते हैं भगवान पर चढ़ाने के लिए, और कलश में लगाने के लिए यही पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। तो इसका नाम है, ये झूठा अशोक है, इसका नाम है पॉलीएल्थिया लॉन्गीफोलिया। ये इसका बॉटनिकल नेम है। ये पत्तियाँ किसी काम की नहीं हैं और इनका इस्तेमाल करना भी बेकार है, झूठा अशोक है। तो मैंने देखा, यहाँ पे मैं जा रहा था, पार्क में जा रहा था, तो मैंने देखा कि इस तरह के फल वहाँ पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। बिल्कुल देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि जामुन है, जामुन जैसे चमकीले फल नीचे पड़े थे इसी पेड़ के नीचे। मैंने ये इकट्ठे कर लिए। हमने कहा अशोक में तो इस तरह के फल आते ही नहीं हैं, तो ये इसका मतलब कोई और किसी और प्रकार का पौधा है। दिल्ली में हर जगह जितनी भी सोसाइटी आप देखें यही पौधा हो रहा है। फिर मैंने इसको छीला, ये आपके सामने मैं छील के दिखा रहा हूँ। इसको जब छीला तो अंदर से पीले रंग का गुदा है और बड़ी गंदी स्मेल आ रही है इसमें, ज़्यादा अच्छा नहीं है, खाने लायक है ही नहीं। इसको चिड़िया खाती हैं, वैसे कहते हैं कि आयुर्वेदा में इसका यूज़ है। और अंदर इसकी जो गुठली देखी, गुठली तो ये है सिल्वरी गोल्डन। देखें ना, काफ़ी सारी गुठलियाँ हैं, ये मेरे पास हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये गुठलियाँ बड़ी चमकदार, बहुत चमकदार हैं, चमकदार हैं। और ऊपर से देखें तो सिल्वर जैसा कलर दिख रहा है और गोल्ड की तरह लगती है देखने में, ऐसा लगता है कि कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट है। ये इसकी गुठलियाँ हैं। तो इनसे पौधा तो उग जाएगा नया, लेकिन ये असली अशोक नहीं है। पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो वास्तविक अशोक है वो तो यहाँ कहीं होता ही नहीं है। वो नर्सरी से कहीं ऑर्डर दे कर मंगा सकते हैं उसको। तो वो जो वास्तविक अशोक है, मैं आपको क्लिप में दिखाऊंगा आगे, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो कंपाउंड लीफ कहलाती हैं उसकी। और ऊपर की तरफ देखें तो वो दो दो के पैर में होती है। ये पत्ती, ये देख रहे हैं यहाँ, एक है और ये सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ है, क्योंकि इसके यहाँ बेस में यहाँ पर एक छोटा सा एपिकल बड है, यहाँ से नई पत्ती निकल आती है। और लहरदार पत्तियाँ हैं, ये झूठा अशोक है। और जो अच्छा अशोक होता है, जो सच्चा अशोक होता है, उसमें पत्तियाँ लहरदार नहीं हैं और वो पत्तियाँ कंपाउंड हैं। मतलब ऊपर आपको यहाँ दो दिखाई पड़ेंगी, यहाँ पर दो, यहाँ पर सिर्फ एक दिखाई पड़ती है। इसलिए अभी मैं आपको क्लिप में दिखाऊंगा, इसके बाद तो पता लग जाएगा कि कौन सा अशोक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो वास्तविक अशोक है उसका नाम है सारा का अशोका, ऐसे आर ए सी ए
ASOCA, सारा का अशोका, वो ये असली अशोक है। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया ये पॉलीएल्थिया लॉन्गीफोलिया है, पॉलीएल्थिया लॉन्गीफोलिया, ये अशोक नहीं, झूठा अशोक है। इसकी पत्तियां इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हालांकि इसकी आयुर्वेदा में बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है इस पौधे की भी, और खासकर ये सोसाइटियों के बाहर बाउंड्री के चारों तरफ लगाया जाता है। इससे क्या है कि साउंड वाइब्रेशन सोसाइटी में नहीं आते, और तेज हवा जब चलती है तो ये पौधा झेल लेता है उसको, इसलिए लगाया जाता है। तो जो असली अशोक है, जैसे मैं कह रहा था अशोका, जो मैं कह रहा था सारा का अशोका, जिसे हम सीता अशोक भी कहते हैं, जहाँ सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, रावण जब ले गया था तो सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, वो मेरे पास यहाँ है ही नहीं पत्तियाँ, वो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो वो जो पौधा है वो अम्ब्रेला लाइक है, जो रियल अशोक अम्ब्रेला छाते की तरह है, ये वाला पिलर की तरह है, बंद छाते की तरह है। तो आप सोचिए, जब बंद छाते की तरह है तो इसके नीचे कौन बैठ सकता है, सीता माँ कैसे इसके नीचे बैठी होंगी, तो ये तो सीधा सीधा डंडे की तरह ऊपर उठता है। और वो जो है असली अशोक जो है वो छाते की तरह है, अम्ब्रेला की तरह है, और इसके लाल फूल हैं, इसके पीले रंग के फूल हैं। आपने अभी फल देख लिया, फल की कोई उपयोगिता है ही। तो आगे मैं आपको अगली क्लिप में दिखाऊंगा कि कौन सा हमें चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद। ये मैं आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ, ये झूठा अशोक है, जिसको कहते हैं पॉलीएल्थिया लॉन्गीफोलिया। कितना लंबा पेड़ है, कम से कम 30-40 फुट तक हाइट की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, और नीचे इसके देखिए ये जामुन जैसे फल इसके नीचे गिरे हुए हैं। यही मैंने आगे इकट्ठे किए, आपको ये दिखाए थे मैंने वीडियो में। तो ये वास्तविक अशोक नहीं है, ये झूठा है, ये पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। मांगलिक कार्यों में कौन से अशोक की पत्तियाँ इस्तेमाल करें, ये बाईं वाला या सीधी तरफ वाला, इस बात को मैं आगे आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये असली अशोक है जो अम्ब्रेला की तरह है, और इसका साइंटिफिक नेम है सारा का अशोका। और ये जो फैमिली है इसका नाम है सीसिल पिनेसी, और इसके जो फल हैं वो मटर की तरह है, ये इसकी पहचान है। और जब सूखने के बाद इसमें देखिए, एक फली के अंदर 5 से लेकर 6 बीज होते हैं गोल्डन कलर के, तो इस तरह पहचान सकते हैं कि यह वास्तविक अशोक है। और पत्तियां देखिए ऊपर 2 हैं, वी शेप दिखाई पड़ रही है, कंपाउंड लीफ कहलाती है, और पत्तियां जो है लहरीली नहीं है, लहरदार नहीं है, सीधी पत्तियां हैं। और यहाँ और भी ज़्यादा क्लोजअप देखिए, ऊपर की 2 पत्तियाँ वी शेप्ड हैं और बिल्कुल सीधी है, इनमें कोई लहर नहीं है, ये इसकी पहचान है, वास्तविक अशोक है। इसके जो फूल देखिए, एक एक फूल में 4-4 पंखड़ी हैं, और गोल्डन येलोइश गोल्ड कलर का इसका कलर है, येलोइश ऑरेंज कलर दिख रहा है। और ये है, ये झूठा अशोक है, ये किसी सोसाइटी के बाहर हो रहा है। देखिए आप, इतना लंबा है, इसके नीचे कौन बैठ सकता है, सीता माँ इसके नीचे कैसे बैठी होंगी, हो ही नहीं सकता। इसका नाम है पॉलीएल्थिया लॉन्गीफोलिया। इसकी फल देखिए कैसे बेरी की तरह है, वहाँ पर फली की तरह थे, यहाँ बेरी है। फैमिली का नाम है एनोनेसी। ये इसका बीज देखिए, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, सिल्वरी गोल्ड कलर का बीज है। तो ये झूठा फल है, झूठा पेड़ है, ये मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल नहीं होता। ये देखिए, इसके बहुत सारे जामुन जैसे फल हैं, और गोल्डन सिल्वरी गोल्ड कलर की इसके बीज हैं, और इसकी पत्तियां देखिए तो लहरदार हैं। वहाँ जो रियल अशोक है उसकी पत्तियां सीधी थी, यहाँ लहरदार है, नीचे की तरफ लटकी हुई है, इसके नीचे कोई छाया नहीं है। और इसके फूल देखिए पीले रंग के हैं, वहाँ पर ऑरेंज कलर के थे, और एक फूल से 6-6 पंखड़ी निकल रही हैं। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए। उम्मीद है कि आपके डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे, अभी हमें पता लग गया कि वास्तविक अशोक कौन सा है और झूठा अशोक कौन सा है। बहुत बहुत धन्यवाद।